अभी की बात करें भाई, प्रेजेंट टाइम जो सबसे ज्यादा भाई सर्च किया जा रहा है एज अ सोशल मीडिया में, भाई सिंघम 3, भाई सिंघम अगेन, रोहित शेट्टी, अजय देवगन, भाई हमें कुछ नया अपडेट्स दो भाई। देखो अब तक की बात करें हम 24 की, कोई बड़ी फिल्म नहीं आई, कोई मास फिल्म नहीं आई एज अ हिंदी की बात करें, एज अ बॉलीवुड की बात करें, सभी इंतजार कर रहे हैं सिंघम 3 का, सिंघम अगेन का, कि ये लाइफ टाइम धमाकेदार कलेक्शन है वो करने वाली। इवन ये अजय की करियर की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म हो सकती है एज अ डोमेस्टिक में। इवन हम ओवरसीज की बात भी करें तब भी तो भाई अजय के फैंस बोल रहे हैं भाई हमें क्लैश नहीं चाहिए। इवन बॉलीवुड 3 की बात करें, कार्तिक आर्यन के फैंस भी यही चाहते हैं, उनको भी पता है कि ये शायद करियर कार्तिक की करियर के भाई हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म हो सकती है, बट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। पर क्या करें भाई, ये सब कुछ भाई मेकर्स के हाथ में है। फिलहाल हम बॉलीवुड 3 की बात है वो नहीं करेंगे इस एपिसोड में, हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन एपिसोड है वो सिंघम 3 का है। बात करेंगे कैमियोस की, बात करेंगे आगे कुछ नए अपडेट्स की, बात करेंगे रिलीज डेट की भी, एंड बात करेंगे भाई शूटिंग की भी। और उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो नंबर वन शूटिंग की बात कर लेते हैं भाई। मुझे लगा कि काफ़ी हद तक देखा जाए, अजय की बात करें उन्होंने तो अपनी शूटिंग ऑलमोस्ट रैपअप कर ही दी है, बट मैंने यस्टरडे को देखा एक इंस्टाग्राम पे, यह आप सभी के सामने ही है, अभी मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है, अभी मैंने देखा भी बट पता नहीं क्या नाम है, आप देख लो खुद ही। तो इन्होंने लिखा कि शूटिंग चल रही है अभी तम्बाकू फैक्ट्री में, ठीक। एंड इन्होंने मतलब कि टैग किया है रोहित शेट्टी को भी, उनके जो प्रोडक्शन हाउस है उनको भी किया है, थैंक यू सो मच अजय देवगन। तो मतलब कि शूटिंग अभी चल रही है, ठीक। आज मैंने सुबह देखा कि डे नंबर 2 लिखा है इन्होंने, मतलब कि शूटिंग एज ऑफ नाउ चल रही है, ऑलमोस्ट 150 डेज हो गए जो कि शूटिंग गाइस अभी भी चल रही है। इससे ये पता चलता है कि भाई रोहित शेट्टी कितनी ज़्यादा भाई हार्डवर्क कर रहे हैं इस पिक्चर के रिलेटेड। एंड ये अभी कौन है मेरे को नहीं पता, मतलब कि स्टार कास्ट में है ये तो कंफर्म ही है, बट कौन है अब तक भाई, उन्होंने कितनी मूवीज़ में काम किया, आई थिंक सो ये नई एक्ट्रेसेस है जो भाई उनको इसमें लिया गया है। ये सनी तुलसी की कमारी है कुछ, एक धर्मा की मूवी आने वाली है शायद, वो ये नेक्स्ट ईयर को आएगी, तो इसमें भी ये है। मैंने देखा इनके इंस्टा पे भाई उन्होंने स्टोरी अपलोड की है कि हम शूटिंग में जा रहे हैं, तो शायद उसमें भी ये होंगी, बट इसमें मतलब सिंघम 3 में ये है। एंड हमें ये भी भाई पता चल गया कि या भाई अभी शूटिंग है वो चल रही है, तो आज इनका डे 2 भी है। और मेन इंपॉर्टेंट, कल भाई अजय देवगन वापस इंडिया है, वो आ चुके हैं। हाँ उसी को पता ही होगा, इससे पहले वो सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग कर रहे थे यूके के अंदर, एंड यस्टरडे को वो इंडिया वापस आ चुके हैं। आज या फिर कल वो सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग है वो फिर से अगेन स्टार्ट है, वो करने वाले हैं मुंबई के अंदर, क्योंकि अभी मतलब देखो 60 डेज प्लस उनका शेड्यूल था यूके के अंदर, बट उन्होंने 40-45 डेज में ही वो वापस इंडिया आ चुके हैं। सम रीज़न जो गाइस मैंने आपको बताया था कि भाई वो क्यों इतना जल्दी इंडिया वापस आ रहे हैं, एंड जो बच्चा ऑलमोस्ट 15-16 डेज की शूटिंग थी जो उनको यूके में करनी थी, वो वापस आके भाई मुंबई में करने वाले, एंड उनका नेक्स्ट शेड्यूल है वो पंजाब के अंदर रहने वाला है। बट ये छोड़ो भाई, हमें तो सिंघम के रिलेटेड बताना है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन अगेन मिलने वाले एक दूसरे के साथ, वापस वो इंडिया आ ही चुके हैं, तो उनका डिस्कशन होगा, शायद वो प्लानिंग करेंगे टीजर की या फिर पोस्टर की, हमें कब तक देखने को मिल सकता है। मेरे पास कोई अभी स्पेकुलेशन वाली न्यूज़ भी नहीं है कि यार दिस डेट को आ सकता है, चांसेस है। आज को याद होगा मैंने कहा था सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें एक अपडेट है वो देखने को मिलेगा सिंघम अगेन का, मोस्ट लाइकली वो डेट रहने वाली सेकेंड या फिर थर्ड सितंबर। मुझे नहीं पता कि वो पोस्टर आएगा, टीजर आएगा, गाना आएगा, आई डोंट नो, बट 3rd of September को रोहित शेट्टी ने भाई दिया ना अपडेट, मतलब कि जो तुम्हारे भाई ने कहा था वो हुआ ना राइट। शायद किसी ने भी आपसे कोई ये अपडेट है वो नहीं दिया होगा, बट तुम्हारे भाई ने भाई ये अपडेट है वो दिया था, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट इसकी रिलीज डेट की। देखो सम बोल रहे हैं कि यार थर्सडे बेस्ट डेट रहने वाली है, 31st of October। सम बोल रहे हैं कि यार सैटरडे को आ जाओ, अच्छी डेट रहने वाली है। फ्राइडे कोई भी नहीं बोल रहा है, फ्राइडे को आ रही है बुल भैया, उन्होंने पहले से कंफर्म कर दिया कि भाई हम आ रहे हैं 1st of November को। चलो ठीक है यार आओ, कोई बात नहीं है, मतलब उस दिन पूजा भी है, नाइट के शो अच्छे नहीं जाएंगे। बट अभी सम न्यू चल रही है, मेकर्स ने ये अभी तक सोचा भी नहीं है, वो कर देंगे ऑफिशियली कन्फर्म, बट
जो अजय के फैंस है, सब जो न्यूट्रल ऑडियंस है, कि कौन सी डेट है वो बेस्ट रहने वाली है। आई थिंक सो मैक्स टू मैक्स सैटरडे बाई अच्छी डेट होगी। अगर आप फ्राइडे को नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फ्राइडे ठीक है, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो सैटरडे बेस्ट डेट रहेगी कंपैरिजन टू थर्सडे। आप बोलोगे यार क्या बोल रहे हो आप भाई, थर्सडे एक सोलो मिलेगा ऑलमोस्ट। देखो वो तो ठीक है, बट एज अ न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में एक नेगेटिव मैसेज आता है। क्यों? देखो आगे फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे आ रही है पूजा, ठीक, नाइट के शोज अच्छे नहीं जाएंगे, एंड थर्सडे टू फ्राइडे सिंगम के नंबर है वो हमें ड्रॉप देखने को मिलेंगे। पहले दिन क्या बोला, दूसरे दिन नंबर्स ड्रॉप होगा, तो मैसेज गलत जाएगा यार, नंबर ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब कि पिक्चर अच्छी नहीं है। आपने यही सीन सिनेरियो टाइगर 3 का टाइम देखा होगा, यार संडे इतना बड़ा फ्रेंचाइजी, ये क्या 40-42 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। यही सीन यहाँ पे भी हो सकता है भाई, ये मास फिल्म है, एक्शन फिल्म है, कोई हॉरर नहीं है, कोई रोमांटिक नहीं है, यार चलेगा नहीं मेरा भाई, ये मास फिल्म है, एक्शन फिल्म है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो सैटरडे बेस्ट रहेगी अगर आप फ्राइडे को नहीं आ रहे, नहीं तो फ्राइडे ठीक है। अब देखते हैं मेकर्स भाई क्या करते हैं। अब बात करते हैं कैमियोज़ की। सब बोल रहे हैं यार इसका कैमियो होगा, सब बोल रहे हैं भाई इसका कैमियो होगा। सबसे पहले भाई मैं ये क्लेरिफाई कर दूँ, ये सभी के सभी भाई फेक न्यूज़ है, ये अभी ट्रेंड दिखाने के लिए, चलाने के लिए ये सब चल रहा है, ठीक। मतलब कि सिंगम आ रही है तो ये सब चलाओ, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रभास का कैम क्या चल रहा है मेरे भाई, वो क्यों आएगा यार इसमें भाई, उसका क्या लेना देना है, वो खुद इतने ज़्यादा बिजी है, 4-5 प्रोजेक्ट उसके पास पड़े हुए हैं, अभी भी इससे पहले भी थे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी रोहित शेट्टी म्यूजिक यूज़ कर रहा है बीजीएम भाई, कश्मीर में जब रोहित शेट्टी आए थे तो उन्होंने सलार का म्यूजिक बीजीएम यूज़ किया था, और अभी वो कल की कर रहे हैं भाई, वो अच्छा था तभी वो कर रहे हैं। रोहित शेट्टी को छोड़ो, मैंने कई सारे ट्रैक्टर देखे जो सलार है कल की का बीजीएम यूज़ कर रहे हैं उनके पिक्चर में, तो भाई हमने प्रवास को नहीं देखा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक छोड़ो फिलहाल। तो कैमियोस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, मतलब होंगे भी अगर इतने सारे तो भाई ये तो खिचड़ी बन जाएगी भाई, खिचड़ी टाइप का हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब स्कॉर्पियो की एंट्री होगी वो चल रहा है मेन इंपॉर्टेंट भाई, किसकी एंट्री होगी? देखो आई थिंक सो, ये मेरा ओपिनियन है, या तो होगी भाई टाइगर की, या तो होगी भाई दीपिका की। रोहित शेट्टी पहले से कंफर्म कर चुके हैं वो टाइगर के साथ भी एक पिक्चर बनाएंगे एज अ कॉप यूनिवर्स, नेक्स्ट वो फीमेल कॉप यूनिवर्स बनाएंगे, ये तो पहले से कंफर्म कर चुके हैं। तो जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे 70-80, तो गाइज वो दीपिका है, बचे जो 25-30 वो गाइज टाइगर के हैं, कि उनकी एंट्री है वो हो सकती है स्कॉर्पियो से। चलो बाकी देखते हैं, जब कुछ भाई मटेरियल आएगा, टेजर ट्रेलर शायद हमें थोड़ा भाई समझ में आ सकता है। तो यही था भाई आज का एपिसोड, कोई और अपडेट आएगा इसके रिलेटेड भाई हम जरूर डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ, एक और न्यूज़ भी, अक्षय कुमार का बर्थडे आ रहा है तो हमें टीजर देखने को मिल सकता है सिंगम 3 का। मेरे पास अब तक भाई कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है, पोस्टर आ सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, बट सिंगम आप टीजर ट्रेलर की ट्रेलर तो छोड़ ही दो, टीजर तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अभी तक तो नहीं, आगे कोई न्यूज़ आएगी तो हमारा भाई बता ही देगा। बाकी भाई कर लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।